माई का घर है, तेरा पुलिस चौकी नहीं है, तेरे ये जो तेवर है ना उधर जाके छाड़ देगा। आज एक सास अपनी बहू को अच्छा सबक सिखाएगी, और जब सास माई जैसी हो तो क्या कहने। बता मेरे को, मेरा बेटा जो है ना एक पुलिस वाले को बिहार के घर में लेके आया, मगर वो तो एकदम काम चुका निकले, कोई भी मेरे बेटे को ठोक के चला गया और वो हाथ में हाथ रख के बैठी है। माई का अपनी बहू को सबक सिखाने का अंदाज ही कुछ निराला है। अब माई के हाथ वो करप्ट ऑफिसर लग गया है जिसने उसके बेटे को फंसाया था। कांड में तेरा हाथ है, बोल। माई बोल। और माई इस ऑफिसर को इसलिए सजा दे रही है ताकि इसके साथ वो अपनी बहू और बेटे को दूर कर सके। मैं खुद जांच करेंगी। अरे उनका क्या तो मतलब मटन बिरयानी की तरह होता है, पकड़ने का नालिश नहीं लगता। अरे और अपन का जांच एकदम नूडल की तरह, 2 मिनट में प्लेट तैयार। फिलहाल के लिए माई की चाल तो काम कर रही है और इसका असर रघु पर साफ साफ नजर आ रहा है। उसका उल्टा गिनती शुरू हो गया, अब तू और मैं मिलजुल के उसका फैसला करेंगे, वो भी ताबड़। रघु के एक्सप्रेशंस भी माई का ही साथ दे रहे हैं, क्योंकि फिलहाल के लिए धनक का रघु इससे बहुत गुस्सा है। आखिरकार आईपीएस बीवी होते हुए भी रघु को रात जेल में जो काटनी पड़ी, इसी वजह से फिलहाल तो जीत माई की होती हुई नजर आ रही है। लेकिन मजा तो तब आएगा जब धनक बहू माई के नहले पर दहला मारेगी और अपने रघु का प्यार फिर से